A very good morning to all of you, Ruchi. If any doubt is there from yesterday's questions, you can ask. Otherwise, we will start with the supplementary exercise. If any kind of doubt is there, you can ask. So, I hope you would have seen the supplementary exercise that Amish has sent. Let us do the formulas, first of all, which are to be used in that exercise. No books for that. Now, the first formula which we are having is the related to, first of all, you should know that if we are having a triangle ABC, ABC triangle with this vertex as A, this as B, and this as C. हमने क्या लेना है जो हमारा ये angle A, यानी कि vertex A के opposite जो side है इसकी जो लेंथ है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए. बी के ऑपोजिट जो है दैट विल रिप्रेजेंट द साइड बीसी. स्मॉल जो है बीसी की लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे एंड सी के ऑपोजिट आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल सी. यानी कि वर्टेक्स ए के जो ऑपोजिट साइड है उसकी लेंथ स्मॉल ए से, बी के ऑपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे. सी के अपोजिट जो हमारी साइड है उसको सी के अपोजिट जो साइड है वो आप स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इट मींस बी सी जो है दैट इज इक्वल टू ए, ए सी जो है दैट इज इक्वल टू बी, एंड ए बी इज इक्वल टू सी. तीन वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के ए बी सी. साइड अगर बी सी है, ए मिसिंग है तो उसको ए से रिप्रेजेंट करोगे. साइड ए सी है, ए बी सी में से बी मिसिंग है तो इसको आप साइड स्मॉल लेटर बी से रिप्रेजेंट करोगे. ए बी ए बी सी में से सी इज मिसिंग तो इसको आप स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करोगे. मोर ओवर सेम कंडीशन हम यूज करते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री. यहाँ पे हम 180 की जगह क्या यूज करेंगे, पाई. So sum of the angles of the triangle is pi. Pi, you know that is 180. अब triangle ABC में ही हम जो है, जैसे हमने 10th में right triangle पे trigonometry apply की थी, अब हम कोई भी हमें type की triangle given हो उस पे trigonometry apply करते हैं. For that first formula जो है हमारा that are known as sine formula. हम इनको sine की terms में represent करते हैं. तो साइन फॉर्मूला जो है दैट इज द रेशियो ऑफ द एंगल जो भी है साइन ऑफ दैट एंगल टू द साइड. यहाँ पे अगर मैं एंगल ए की बात कर रही हूँ तो साइन ऑफ एंगल ए और इसके ऑपोजिट साइड जो है बी सी. तो दिस इज गिवन बाय ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. And all of these are equal to a constant k. इसका मतलब क्या है? Ratio of side BC to its sine of opposite angle A, ऐसे ही ratio of AC to its opposite angle के sine के साथ, and same way में ratio of AB to the sine of the opposite angle is always a constant. तो k से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कॉन्स्टेंट को. ये रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है साइड ओपोजिट टू साइन ऑफ दिस एंगल. साइन अगर a है तो a के ऑपोजिट साइड स्मॉल a होती है. साइन ऑफ अगर एंगल b ले रही हूँ तो b के ऑपोजिट साइड स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हो. साइन ऑफ एंगल अगर मैंने c लिया तो c के ऑपोजिट जो आपकी साइड है उसको आप स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हो. तो साइन ऑफ ए बी सी में से मैंने जो भी एंगल लिया उसके ऑपोजिट वाली साइड के साथ रेशियो अगर हम लेते हैं तो ये रेशियो जो है आपस में दीज आर कॉन्स्टेंट. उसके बाद कोसाइन फॉर्मूला है हमारा.
कॉस की टर्म्स में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस की टर्म्स में जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो जो हमारा कॉस ऑफ ए, अगर मैंने कॉस ऑफ एंगल ए निकालना है तो दैट इज गिवन बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। इसको लर्न कैसे करना है आपने, जो एंगल आपका आप निकाल रहे हो कॉस की टर्म्स में उसके आगे नेगेटिव साइन, बाकी सब स्क्वायर्स में टर्म्स आती हैं ऊपर। ए बी सी ट्राइंगल है तो ए के आगे नेगेटिव साइन लगना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ जो एंगल है उसको छोड़ दो, ए को छोड़ दो तो ट्वाइस ऑफ बी सी, या जो फर्स्ट टू टर्म्स है उनका ट्वाइस हम ले लेते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं करना है, न्यूमिनेटर में आप स्क्वायर लेके चलो। तो कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। सेम वे में अगर मुझे कॉस ऑफ बी निकालना है तो बी वाली जो स्क्वायर आएगा उसके आगे नेगेटिव साइन लगना है, रह क्या गया ए और सी, तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ बी को छोड़ के बाकी तो ए सी। सेम वे में कॉस सी अगर मुझे निकालना है तो दैट इज गिवन बाय सी के आगे नेगेटिव साइन तो माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का प्रोडक्ट विदाउट स्क्वायर, या इसको छोड़ दो सी को छोड़ दो ए बी। सो दिस इज द कोसाइन फॉर्मूला। जब हम कोसाइन फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें ये साइड्स की लेंथ गिवन होगी, जो ट्राइंगल हमें गिवन है इसकी साइड्स की लेंथ हमें गिवन होगी, हम कोसाइन फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन हमें जो है वो ए बी सी साइड्स भी गिवन हो सकती हैं, और अदरवाइज अगर हमें सिर्फ साइड्स गिवन है तो साइन की टर्म्स में हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले कॉस निकाल लेंगे, देन कॉस और साइन का आइडेंटिटी हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, फिर आप उसको यूज करके साइन की वैल्यूज निकाल देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो आता है हमारा दैट इज द प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये तीन फॉर्मूले आपके इस सप्लीमेंट्री में यूज होंगे, तीन इन द सेंस, एक साइन फॉर्मूले, एक कोसाइन, कोसाइन में ये तीनों आ जाएंगे, देन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हमने क्या करना है, लेट अस सपोज कि मैं ए लू तो ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। जो साइड मैंने ली उसको छोड़ दो, रह क्या गया बी और सी, तो एक बार बी साइड जो है वो कॉस ऑफ सी एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस सी साइड जो है वो कॉस ऑफ बी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ए बी सी में से जो भी मुझे गिवन है इसके अपोजिट ए बी के अपोजिट साइड सी, बी सी के अपोजिट ए, ए सी के अपोजिट बी, तो इनमें से जो भी साइड मुझे निकालनी है, लेट अस सपोज कि मुझे सी निकाल, तो सी इज इक्वल टू बाकी दो जो है वो क्या रहे, सी को छोड़ दो बाकी क्या रह गया ए और बी, तो जब मैं कॉस ए एंगल लूंगी तो इसको इसकी वाली ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करना है, जब मैं कॉस ऑफ बी एंगल लूंगी तो इसको इसकी ऑपोजिट साइड से मल्टीप्लाई करना है, तो जो सी है दैट विल बी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। सेम वे में अगर आप बी निकालते हो तो ए और सी मिसिंग है तो दैट विल बी ए कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो ये जो है आपके प्रोजेक्शन का, अब ये फॉर्मूले जो है हमारे जो एक्सरसाइज है उसमें यूज होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, आई होप यू वुड हैव रिटन दीस फॉर्मूलास, अदरवाइज इन द बुक आल्सो दीस आर गिवन। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर वन में हमें गिवन है साइड्स हमें गिवन है एंड वी आर टू फाइंड द एंगल्स कॉस ए कॉस बी एंड कॉस सी जो है वो हमें निकाल। Question number one may I am given, in any triangle ABC, if A is equal to 18, this is their question number one, A given to me 18, B is 24,
and C is 30. I have to find out cos A, cos B, and cos C. और second question में same के साथ मुझे sin A, sin B and sin C जो है calculate करना. अब देखो यहाँ पे मुझे sides given है, cos निकालना है तो मैं cosine formula use करूँ. साइन फॉर्मूला में सबसे पहले मुझे अगर कॉस ए निकाल तो दैट इज इक्वल टू ए वाला है आपका तो ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन आ जाएगा. यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ बी एंड सी वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल. बी मेरा 24 है तो दिस इज 24 स्क्वायर. सी है 30, ए है 18 अपॉन में ट्वाइस ऑफ बी इंटू सी. इनको सिंप्लीफाई कर लो 576 900 324 अपॉन में ये आ जाएगा आपका 48 इंटू 30 हो जाएगा आपका 48 इंटू 3 हो गया 134 आपके 0 लग जाएगा. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे एंड यू विल गेट योर आंसर. cos a की आपकी वैल्यू आ जाएगी 4/5. कैलकुलेशन कर लेना. अब cos a आ गया. नाउ यू आर टू फाइंड cos b. cos b का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन टू a c. नाउ पुट द वैल्यूज a स्क्वायर 18 स्क्वायर, c स्क्वायर 30 स्क्वायर, b स्क्वायर 24 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a. डिनोमिनेटर आ जाएगा 108. दिस इज 900 324 प्लस 900 माइनस 576 क्या आ जाएगा आपका सिंपलीफाई करके 648 अपॉन 108. दिस इज 3/5. सेम वे में हमने cos c निकालना है. cos c now you will tell me, anyone of you can unmute and tell formula I'm writing over here. A square plus B square minus C square upon 2AB. And put the values and tell me the answer. Solve it out. Be quick. A aapko given hai 18. B is 24 and C is 30 upon me twice of 24 into 18. Calculations jaldi se kariye aur bataiye kya aayega. Squares inke maine idhar likhe honge, sirf signs change ho rahe hain. एक तो वीडियोस आपकी ऑफ होती हैं, मुझे पता ही नहीं लगेगा कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा. बी क्विक. मैम जीरो. हाँ जी जीरो इज द करेक्ट आंसर. यहाँ आ जाएगा आपका दिस इज 324 माइनस 570 प्लस 576 माइनस 900 अपॉन में ये आ जाएगा आपका 864. So this will be 0/864 that is equal to 0. So cos C आ गया आपका 0, cos B is 3/5 and cos A is 4/5. So this was your question number 1 in which we were given the sides A, B and C. इनकी हमें length given थी, हमें cos of A, cos of B और cos of C निकालना था. It means हमने cosine formula use कर लिया for finding out these. Cos of A is equal to B square plus C square minus A square upon 2BC. Values put की, simplify किया, cos A की value आ गई 4/5. Cos B same way में simplify किया, formula apply करके, so you got the value 3/5 and cos C is 0. अब इसी से related आपका second question है, with the same values you are to find the value of sin A, sin B and sin C. तो इसके लिए आप क्या करोगे, साइन ए साइन बी साइन सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी कॉस सी विद सेम वैल्यूज हमारे पास है, इन्हीं को यूज कर लेंगे.
आप करोगे, फिर इसके बाद कर लेना कि दिस इम्प्लाइज साइन ए इज इक्वल टू रूट 1 माइनस 16 बाई 25, और सिंप्लीफाई करके दिस इज 3 बाई 5. यहाँ पे कॉस बी इज इक्वल टू 3 बाई 5 इम्प्लाइज साइन बी इज इक्वल टू रूट 1 माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, तो दैट इज रूट 16 अपॉन 25, दैट इज 4 बाई. सेम वे में अब आप कॉस सी से साइन सी निकाल लोगे, तो दैट इज रूट 1 माइनस 0 तो दिस इज योर साइन ए, ये आपका कॉस, दिस इज साइन सी नॉट ए साइन सी, दिस इज योर कॉस सी, दिस इज साइन बी. ये आपका कॉस बी था 3/5, दिस वाज कॉस ए एंड दिस इज साइन ए. तो ये दोनों पार्ट्स इकट्ठे हो गए आपके ए के, उसमें साइन कॉस ए कॉस बी कॉस सी हमने पहले निकाल लिया, उसके बाद हमने उससे निकाला साइन ए साइन बी साइन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थोड़े से इसके दो तीन क्वेश्चंस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस हमने किसमें क्या अप्लाई किए हैं. स्टार्टिंग में जो है नो डाउट कि वो आपको टफ लगेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे गिवन है फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट ए प्लस बी बाय सी इज इक्वल टू, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एनी ट्राइंगल. Proves that A plus B by C is equal to cos of A minus B by 2 upon sin C by 2. अब यहां ध्यान देना कि हमें क्या गिवन है, जो साइड्स हैं A plus B प्लस सी बाय टू, ये हमें गिवन है और इसको हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय टू एंड साइन ऑफ सी बाय टू. हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, इससे यहाँ पे जो है इसको साइन की टर्म्स में पुट करके देन के आपका कॉमन आ जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी का आप फॉर्मूला लगा लोगे एंड देन उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मूले, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते A plus B is equal to C. अब देखो मुझे जो रिलेशन गिवन है वो क्या गिवन है कि A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C. और ये किसके इक्वल हम लेके चलते हैं, दिस इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट A. तो इनको अगर मैं पेयर वाइज लूं तो मेरे पास आ जाएगा A upon sin A is equal to k, यानी कि a is k sin a. same way में b is k sin b and c is k sin c. a upon sin a equal to k put किया तो a k sin a आ गया. same way में b upon sin b को जब आप equal to k लोगे तो b की value k sin b आ जाएगी. same way में जब आप sin c upon sin c को equal to k लोगे तो C is equal to ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, this will be K sin C. अब A, B, C की ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं, so we will be having K sin A plus K sin B upon K sin C. K न्यूमिरेटर में से कॉमन लेके डिनोमिनेटर के साथ कट कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लोगे, टू साइन सम ऑफ द एंगल्स कॉस डिफरेंस ऑफ द एंगल्स, तो टू साइन ए प्लस बी बाय टू कॉस
a minus b by 2, और अपॉन में साइन सी। अब देखो यहाँ पे जो मेरे एंगल्स हैं वो हाफ में है, तो इस वाले को भी मैं हाफ ऑफ द एंगल में कन्वर्ट करूंगी, साइन टू सी का फॉर्मूला लगा लेंगे। पहले हमने ऊपर ये फॉर्मूला लगाया, अब हम यहाँ पे साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, दैट इज टू साइन हाफ ऑफ द एंगल कॉस हाफ ऑफ द एंगल। साइन सी था तो यहाँ आ जाएगा टू साइन हाफ ऑफ द एंगल कॉस हाफ ऑफ द एंगल। अब यहाँ ध्यान दो, अपॉन में साइन सी बाय टू चाहिए मुझे, न्यूमिरेटर में कॉस ए माइनस बी बाय टू चाहिए, ये टू से ये टू कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स अब मुझे साइन ऑफ ए प्लस बी बाय टू और कॉस सी बाय टू को देखना है कि ये दोनों इक्वल होंगे तभी ये दोनों आपके कैंसिल आउट होंगे। अब यहाँ पे हमें ये वाला कंसेप्ट यूज करना है जो हमें ट्राइंगल गिवन, अगर मुझे एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है तो इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी जो है दैट इज इक्वल टू पाई, या आप 180 के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। अब यहाँ से देखो एंगल कौन सा है मेरा ए प्लस बी, तो a प्लस बी को मैं इधर रखूंगी, इसको मैं उधर ले जाऊंगी, पाई टू है तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स पाई टू कर दिया, ये चीज। तो अब इस साइन ऑफ a प्लस बी बाय टू, a प्लस बी बाय टू को मैं रिप्लेस कर दूंगी पाई बाय टू माइनस सी बाय टू, सो ये आ गया मेरा साइन ऑफ a प्लस बी बाय टू कॉस ऑफ a माइनस बी बाय टू, अपॉन में बचा था मेरे पास साइन सी बाय टू कॉस सी बाय टू, इसको मैं अब रिप्लेस कर रही हूँ साइन a प्लस बी बाय टू की जगह पाई बाय टू माइनस सी बाय टू यूजिंग दिस कॉस a माइनस बी बाय टू, अपॉन में साइन सी बाय टू कॉस सी बाय टू। अब दिस इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 90 into 1 odd number से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव तो बाहर पॉजिटिव का साइन, देन थीटा एज इट इज तो दिस इज सी बाय टू, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा की जगह पे आ गया सी बाय टू, ये बाकी अब सी कॉस सी बाय टू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल गेट द राइट। सिंपली इसमें बस फॉर्मूले आपने अप्लाई करने हैं और सिंप्लीफाई करने पे यू विल गेट योर आंसर। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, हमने क्या किया है यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दी जो हमने साइन फॉर्मूले से निकाल ली, देन साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला और यहाँ पे साइन टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, जो कैंसिलेशन हो रही थी वो कैंसिलेशन कर दी, ये दो जो मैंने टिक किए हैं ये मुझे आंसर में चाहिए थे, इट मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे तभी ये कैंसिल आउट होंगे, तो इनको इक्वल मुझे बना के शो करना पड़ेगा। यहाँ पे सम ऑफ द एंगल्स है ए प्लस बी और मुझे पता है तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ए प्लस बी जो है दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस सी, यहाँ पे क्योंकि ए प्लस बी बाय टू था तो दोनों तरफ टू से डिवाइड कर दिया, देन ये ए प्लस बी बाय टू वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, तो दिस इज पाई बाय टू माइनस सी बाय टू, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, बाकी सभी टर्म्स एज इट इज चलती जाएंगी, वो एज इट इज लिखते जाओगे, तो दिस इज कॉस थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस इज योर आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमें गिवन है सेम इसी तरीके से है, बस ए प्लस बी की जगह आ गया ए माइनस बी और इधर ये टर्म्स चेंज हो गए, ऊपर साइन आ जाएगा नीचे कॉस आ जाएगा, मेथड बिल्कुल सेम है, सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको मार्क कर लो, दिस इज योर होमवर्क पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है प्रूव दैट फॉर एनी ट्राइंगल ए बी सी साइन ऑफ बी माइनस सी बाय टू इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन ए कॉस ऑफ ए बाय टू, ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से। अब यहाँ ध्यान देना हमारा राइट हैंड साइड पे बी माइनस सी अपॉन ए साइड्स की फॉर्म में गिवन है तो हम इसको रिप्लेस करेंगे साइन, यानी कि अब हम लेफ्ट हैंड साइड की बजाय क्वेश्चन नंबर 5 में राइट हैंड साइड। तो
कुछ क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं जहां पे हमें को साइन फॉर्मूला जो है वो पुट करना पड़ता है, तो डिपेंडिंग ऑन हमें क्वेश्चन क्या गिवन है वी विल अकॉर्डिंगली पुट द फॉर्मूला. अब क्वेश्चन नंबर 5 में वी आर गिवन साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन के कॉस ए बाय टू. अब देखो ये सेम क्वेश्चन हमने ऊपर भी पुट मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसी से बना है. अगर मैं ये कॉस इधर दे तो मेरी जैसे सेम क्वेश्चन नंबर 3, 4 ए स्टेटमेंट की वैसी स्टेटमेंट. ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज हम राइट हैंड साइड में भी चलेंगे एंड उसको सिंप्लीफाई. सेम वे में ए को ए साइन एस, बी को ए साइन बी और सी को ए साइन सी पुट करेंगे. पहले ऊपर आप शो कर दे रहे हैं यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला. यूजिंग साइन फॉर्मूला तो ये आ गया. अब यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट्स कर देंगे. दिस इज ए साइन बी माइनस ए साइन सी अपॉन ए साइन ए इनटू कॉस ए बाय ये ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा. अब यहाँ पे हमने के कॉमन लेके कैंसिल आउट करके साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्म कर. ये कैंसिल आउट हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी दैट इज टू कॉस सम ऑफ द एंगल्स एंड देन साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल्स. और यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला टू साइन हाफ ऑफ द एंगल कॉस हाफ ऑफ द एंगल. ये कॉस ए बाई टू, ये कॉस ए बाई टू आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका अब ये टू और ये टू कट गया. अब आंसर में मुझे साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू चाहिए, यानी कि सिर्फ ये चाहिए. तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे, ये आपके कैंसिल आउट होंगे. तो इनको हम ले लेते हैं सेम उसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180. बी प्लस सी को लेना है ये इधर रख लेंगे, ये हो जाएगा पाई माइनस ए. बी प्लस सी बाई टू है तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टू किया तो बी प्लस सी बाई टू क्या आ गया पाई माइनस ए बाय टू. यहाँ रिप्लेस कर दो, कॉस ऑफ बी प्लस सी बाय टू था और साइन ऑफ ए बाय टू था और ऊपर साइन बी माइनस सी बाय टू. इसको तो हमने कुछ नहीं करना क्योंकि ये मेरा आंसर मुझे नहीं, तो ये मैंने ऐसे कुछ लिख दिया, ये भी ऐसे कुछ लिख दिया और इसको मैं चेंज हो जाएगा कॉस ऑफ बी प्लस सी बाय टू को रिप्लेस कर दिया फाइव बाय टू माइनस ए बाय टू से. अब ये बन गया cos 90 माइनस थीटा. cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो ये आ गया थीटा की जगह a बाई टू. डिनोमिनेटर में भी a बाई टू है, ये सेम आ गए, कैंसिल आउट कर दो. व्हाट वी आर लेफ्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड. सो क्वेश्चंस इसके डिफिकल्ट नहीं है, मोस्टली एक ही मेथड आपका यूज है एंड यू आर टू अंडरस्टैंड दैट मेथड केयर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज प्रूव दैट इन ट्राइंगल ए बी सी ए टाइम्स बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर. अब देखो यहाँ पे जो मुझे प्रूव करना है कॉस सी कॉस बी आ रहा है मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे, मैं कॉस इन वाले जो है एंगल्स की कोसाइन फॉर्मूला यूज करते हुए वैल्यूज पुट कर दूंगी. एंड देन सिंप्लीफिकेशन पे मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाएगा क्योंकि जो मुझे राइट हैंड साइड पे प्रूव करना है दैट इज इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स. स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मुझे कोसाइन फार्मूला से मिलती है तो आई विल यूज दैट. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6. फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट ए टाइम्स बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर. मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगी, लेफ्ट हैंड साइड में कॉस सी और कॉस बी की वैल्यूज पुट करूंगी, सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर.
एज इट इज, ये वाला बी एज इट इज, कॉस सी की मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, माइनस सी एज इट इज, कॉस बी की वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये बाहर ए है तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, ये बन गया ए सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, ए सी ए बी कट गया, अपॉन में दोनों के टू है, एलसीएम लेंगे, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे दिस इज माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू बी सी, टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज माइनस टू सी स्क्वायर, अपॉन में टू है, टू न्यूमिनेटर में से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे, सो वी आर लेफ्ट विद राइट साइड। सो ये आपका राइट हैंड साइड थी, नॉट सो मच डिफिकल्ट क्वेश्चन। ए इंटू बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने कॉस सी और कॉस बी का फॉर्मूला पुट कर दिया, देन सिंपली फाइ किया उसको एंड यू विल गेट ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को। आफ्टर दिस जस्ट 1 मिनट इज लेफ्ट, तो यू विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने सेम वे में है कॉस सी लेफ्ट हैंड साइड लेके कॉस सी और कॉस बी की जो है वो वैल्यूज पुट करोगे तो आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड में जो है लास्ट में कॉस स्क्वायर ए बाई टू के लिए आप 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, यानी कि जो आपका सेकेंड लास्ट स्टेप बनेगा वो 1 प्लस कॉस 2 थीटा आएगा, तो उसको आप 2 cos² ½ ऑफ द एंगल से रिप्लेस करोगे टू गेट द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने ट्राई करना है, एंड देन बाकी के जो क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डू टुमारो। एक आपको वेकेशंस के लिए जो है 5 एक्टिविटीज भी दी जाएंगी दैट आई विल सेंड, की कौन कौन सी आपने और किस तरीके से लिखनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, एक प्रैक्टिकल फाइल ले लेनी है, जैसे कि आप साइंस में लेते होते थे, यू कैन परचेज दैट काइंड ऑफ, यानी कि अब आपके लूज पेजेस में आपने काम नहीं करना है, ये ध्यान रखना। टोटल जो है इन ऑल 10 एक्टिविटीज होंगी, 5 हम अब करेंगे समर वेकेशन में एंड 5 वी विल डू इन द विंटर वेकेशन, एंड जो भी वो एक्टिविटीज हैं दैट वी विल डिस्कस टुमारो कि किस तरीके से आपने करनी है, और इसके इन केस अगर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ रह जाएंगे तो दैट यू विल ट्राई इन योर वेकेशन, अदरवाइज आफ्टर वेकेशन वी विल डिस्कस। सप्लीमेंट्री वाला पार्ट जो है वो आपने जो है इसके फर्स्ट 10 questions प्रिपेयर करने हैं, दैट काइंड ऑफ questions, नॉट एग्जैक्टली दैट, मतलब इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं दैट यू आर नॉट टू प्रिपेयर फॉर योर PT1, अदरवाइज PT1 का आपको मैंने सिलेबस सारा सेंड कर दिया है। PT1 में जितने भी चैप्टर्स हैं आपके उनकी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेस अगर हैं तो दैट यू आर टू प्रिपेयर।